हम लोग रुके हैं भाई, वाइल्ड जगह है एक, और यहाँ पे अंकल जी लगाते हैं सेब की। ये देखो सेब है, तीन वैरायटी है इसमें, और ये वाला थोड़ा खट्टा है, ये वाला बिल्कुल गुलाब जल के जैसा स्वाद है इसका, और ये वाला मीठा है। और ये अंकल जी बेच रहे हैं। और भाई साहब आपको खरीदना है तो उसका ही पैसा है, खाने का कोई पैसा नहीं है अंकल जी ने, मतलब आप आओगे तो आपको मतलब दिल से खिलाएंगे बहुत। तो ये अंकल जी अभी तोल रहे हैं भाई, हम भी ले रहे हैं सेव। तो ये जगह है भाई के पास, कभी भी आओ तो भाई यहाँ से सेव लो, अंकल जी बहुत अच्छे हैं बस। और एक और बात, कश्मीर के लोग ना बहुत अच्छे हैं यार, हम लोग ना घर में बैठ के कुछ भी बात कर लेते हैं, वहाँ बैठे हैं गाँव में, कोई राजस्थान में, कोई दिल्ली में, कोई हरियाणा में, कोई कुछ भी बातें करता रहता है कश्मीर में। भाई मैं कह रहा हूँ एक बार आओगे ना तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बोलेगा कि यार यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यहाँ कुछ नहीं है यार, इंसानियत है सबसे बड़ी चीज है। और यहाँ पे सारे लोग भाई एक दूसरे को इतना रेस्पॉन्स करते हैं और मजा आता है, यहाँ पे सारे लोग इतने मजे से रहते हैं ना भाई, बहुत सुख शांति है यार। फालतू में लड़ रहे हैं हम लोग तो यार, यहाँ तो सब लोग कोई मतलब, देखो ये सारे मोमडन है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन भाई साहब इतने अच्छे लोग हैं ना, क्या बताऊं। आप आओगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये लो अंकल जी, अंकल जी देखो, ये है हमारे अंकल जी, और भाई साहब ये है सेब की शॉप लगाते हैं यहाँ पे, वाइल्ड जगह है ना ये, वाइल्ड जगह जी, बिल्कुल। मैं ढाबा आया है पंजाबी ढाबा, और यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ी देर चाय पीने के लिए, अब जाने जा ही रहे थे लेकिन थोड़ी ठंड है तो हमने सोचा थोड़ा चाय भी टेस्ट कर लेते हैं इधर का कैसा है, तो चाय के लिए रुके हैं।